साइना नेहवाल ही नहीं, ये खिलाड़ी भी रहे रोमांस के उस्ताद। तस्वीरों में देखें जोड़ियां। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जल्द ही अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लंबे समय से एक दूसरे को डेट करने के बाद साइना और पी कश्यप साल के अंत में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पारुपल्ली कश्यप की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों में की जाती है। उन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रिया ओपन जैसे कई बड़े टूर्नामेंट वे अपने नाम कर चुके हैं। 28 वर्षीय ओलंपिक मेडलिस्ट साइना इस साल 16 दिसंबर को बेहद निजी समारोह में हमेशा हमेशा के लिए पी कश्यप की हो जाएंगी। हालांकि शादी के 5 दिन बाद 21 दिसंबर को भव्य समारोह में कई लोगों को आमंत्रित किए जाने की खबर है। यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं जब लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी खिलाड़ी ने विवाह सूत्र में बंधने का फैसला किया हो। इससे पहले भी कई लोग ऐसा कर चुके हैं। भारत की महिला टेनिस स्टार ने पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक के साथ शादी की है। दोनों की शादी को करीब 8 साल हो चुके हैं और शोएब अब सानिया के बच्चे के पिता भी बनने जा रहे हैं। देश की स्क्वाश प्लेयर दीपिका पल्लिकल ने भी भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ शादी की है। कार्तिक की यह दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी पत्नी निकिता थी, जिन्होंने कार्तिक के दोस्त और उनके साथी खिलाड़ी मुरली विज के साथ अफेयर के बाद शादी कर ली थी। भारत के दिग्गज टेनिस प्लेयर महेश भूपति ने बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता के साथ शादी की है। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े पदक अपने नाम करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ अफेयर की खबरें भी काफी वायरल हुई थीं। हालांकि दोनों का रिश्ता शादी के बंधन में नहीं बंध सका।